चंपावत से विधायक कैलाश गहतोड़ी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहतोड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद गहतोड़ी ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा किसी स्वार्थ से नहीं दिया, बल्कि सीएम के चंपावत से विधायक बनने में क्षेत्र का बेहतर विकास हो सकेगा, इस सोच के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो चंपावत के जो सिटिंग विधायक थे कैलाश गहतोड़ी, उन्होंने आज ऋतु खंडूरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब इसी सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है 24 तारीख को, क्योंकि एक बड़ी बैठक उस दौरान होनी है। साथ ही साथ कैलाश गहतोड़ी ने कहा, मैंने किसी स्वार्थ में इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि इस इलाके का, चंपावत का बेहतर विकास मुख्यमंत्री के शासन के दौरान हो सकता है। हमको साधारण सा त्याग है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे संगठन में किसी लायक नहीं था, दो दो बार टिकट दिया मुझे। एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है, उनने मेरे को दो बार टिकट दिया। और मेरा भी कर्तव्य बनता था, हम प्रेरणा उन्हीं से लेते हैं। वही कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि कैलाश गहतोड़ी ने क्षेत्र में काफी काम किया है, जिसका फायदा भाजपा को मिलेगा और उनकी जीत होगी। पिछले कई वर्षों से उस क्षेत्र में कैलाश गहतोड़ी जी वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के समग्र विकास के लिए, लोगों को आगे लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से, सरकारी रूप से, और जो भी उनको दायित्व था उसके नाते वो लगातार काम करते रहे हैं। और उन्होंने आज एक उस क्षेत्र में मुझे बुलाया है, उस क्षेत्र की जनता का, विशेष रूप से कैलाश जी का मैं बहुत आभारी हूँ। कि और मेरे सामने चुनौती भी है कि वो क्षेत्र हमारा बहुत सीमांत का क्षेत्र है, माँ पूर्णागिरी है, माँ गुलजू है, माँ बरही है, वो क्षेत्र माँ शारदा का तट है। तो उस क्षेत्र से चूँकि बचपन से मेरा भी जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है, और मैं उसी क्षेत्र में पला बड़ा हूँ। चुनौती है कि आगे वो हमारे उत्तराखंड के मानचित्र में, हिंदुस्तान के मानचित्र में वो क्षेत्र चमके, वो क्षेत्र आगे आए, उसके लिए हम समग्र प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपकी बार तो जिस प्रकार का रिजल्ट आया है, मैं कहूँगा कि माँ पूर्णागिरी ने, माँ शारदा ने मुझे वहाँ बुलाया है।